हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा महामैराथन क्लास है और महामैराथन क्लास का हमारा फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो इसमें से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, और अतुल महेश्वरी परीक्षा में 100% यही प्रश्न आएंगे। मैंने थंबनेल में भी लिख दिया और 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने फ्रेंडों को दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है समास हिंदी व्याकरण का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपके पास मिलता है 3 सेकंड का टाइम। तो पहला ऑप्शन है हमारा बहुव्रीहि समास, दूसरा तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, क्रमधारय समास। तो ऑप्शन आंसर इसका सी होगा। क्या होगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास। ठीक है, आप दोस्तों पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को नोट करके याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है महोदय में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो इसका आंसर बी होगा। क्या दोस्तों? बी होगा, क्रमधारय समास। फिर है दशानन में कौन सा समास है, आपको बताना है। दशानन में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दशानन, दस हैं आनन यानी मतलब दस हैं मुख, जिसके अर्थात रावण। ठीक है दोस्तों, रावण आपका जो हो सकेगा वो मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता रहूँगा। फिर अगला है सप्तऋषि में कौन सा समास है और जिसमें संख्याओं का बोध हो। क्या दोस्तों? जिसमें संख्याओं का बोध हो वो द्विगु समास होता है, और जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है अर्थात योजक चिन्ह ऐसे लगा होता है वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो सप्तऋषि में सबको पता है द्विगु समास होगा, आंसर ये। क्वेश्चन है हमारा भाई बहन में कौन सा समास है, तो ये आपको सबको पता है द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला है राजा रंक में कौन सा समास है, ये भी पता है आपको। राजा रंक में कौन सा समास है, तो हम देख लेते हैं आंसर भी, मतलब द्वंद्व समास है। अगला है राजकुमार में कौन सा समास है, तो आंसर ये तत्पुरुष समास है। क्या दोस्तों? तत्पुरुष समास है। अगला है अन्न जल में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। अन्न जल, ये भी पता है आंसर ये द्वंद्व समास। पदच्युत में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास। तुम्हारा आंसर ये होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या दोस्तों? होगा तत्पुरुष समास। अगला है भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में आपके पास ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। तो इसका आंसर होगा भरपेट, आंसर बी, अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला है किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। क्या दोस्तों? किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो आंसर डी, गंगा यमुना में बहुव्रीहि समास नहीं है। ठीक, अगला है किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो सब ये सबको पता है सप्तऋषि, क्योंकि ये दोस्तों द्विगु समास है और दशानन, चक्रपाणि, बजरंगी ये हमारा बहुव्रीहि समास है। अगला है किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया जिसमें संख्याओं का बोध होता है। क्या दोस्तों? वो द्विगु समास होता है, तो ये षटकोण द्विगु समास है, तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा षटकोण। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, आंसर सी, दाल रोटी। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, आंसर डी, हर घड़ी। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, आपके पास ऑप्शन है भयभीत, रसोई घर, गंगा यमुना, घुड़सवार। तो इसका आंसर सी होगा, गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना। अगला है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, आपके पास ऑप्शन है पापपूर्ण, मारपीट, राजा रानी, पथभ्रष्ट। तो इसका आंसर डी होगा, पथभ्रष्ट। ठीक है, अगला है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, आपके पास ऑप्शन है राग देश, यथासाध्य, जीव जंतु, दूध दही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यथासाध्य। अगला है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, आपके पास ऑप्शन है रोग मुक्त, जात कुजात, धन दौलत, घी शक्कर। तो इसका आंसर ये होगा, रोग मुक्त। ठीक है, अगला है किस शब्द में क्रमधारय समास नहीं है, आपके पास ऑप्शन है नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, चौपाई। तो मैंने अभी आपको बताया चौपाई यानी चारपाई, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा, और नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम ये आपको पता ही है क्रमधारय समास है। ठीक है,
अगला है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पंचवटी, महाशय, सज्जन, खदान, खद्यान्न। तो आंसर डी होगा खद्यान्न। ये हमारा क्या दोस्तों, कर्मधारय समास नहीं है। मतलब दोस्तों किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो पंचवटी ये हमारा कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये द्विगु समास है। इसमें आंसर डी लिख गया है, सॉरी दोस्तों, लेकिन इसमें पंचवटी होगा। ठीक है, पांच वट। अगला है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो पंचमुख, पांच मुख। ठीक है, बाकी कर्मधारय समास है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ठीक है, द्विगु समास। तो आंसर ये होगा चतुर्भुज। ठीक है, अगला है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? त्रिफला, चौराहा, सद्गुण, सत्सई। तो आंसर सी होगा सद्गुण। ठीक है, अगला है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? महाजन, अठन्नी, नवरत्न, पंचतत्व। तो महाजन द्विगु समास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये है महाजन। अगला है, किस शब्द में अव्यय वैभव समास नहीं है? यावज्जी, जीवन, आजीवन, घुड़सवार, हरपल। तो आंसर सी होगा घुड़सवार। अगला है, किस शब्द में अव्यय वैभव समास नहीं है? ऑप्शन है चतुर्भुज, यथाशंख, आमरण, भरपेट। तो आंसर ये होगा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो इस और क्वेश्चन को लिखना और एडिट करना बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अगला है, किस शब्द में अव्यय वैभव समास नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हरेक, महाजन, प्रत्येक, भरसक। तो हमारा आंसर भी होगा महाजन। ठीक है, फिर पंचशेरी में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो आंसर भी होगा द्विगु समास। ठीक है, पंचानन में कौन सा समास है? तो ये सबको पता है, पंचानन आपको बताना है तुरंत। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। अब आपको कैसे बताना बहुव्रीहि समास क्यों है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं कमेंट में डाल दूंगा इसका आंसर। दाल रोटी के समास का नाम बताइए, सबको पता है द्वंद्व समास है। घनश्याम में कौन सा समास है? ये सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंसर ये होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला है, चौराहा तो ये सबको पता है, द्विगु समास है। पीताम्बर पीला है अंबर, सबको पता है। बहुव्रीहि समास पीताम्बर पीला है अंबर। ठीक है, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसके, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चार है भुजाएं। हाथ पैर ये सबको पता है, द्वंद्व समास होगा। नीलांबर नीला है अंबर जिसका। तो आंसर ये होगा कर्मधारय समास, नीलांबर। ठीक है, चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़मार बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। तो आंसर सी होगा तत्पुरुष समास है, चिड़ी मार। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला है, आज जन्म कौन सा समास है? अव्यय वैभव समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। तो आंसर ये है। ठीक है, अव्यय वैभव समास। कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन हमारा है कर्मधारय समास। क्या दोस्तों? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला है, चक्रपाणी कौन सा समास है? अब मैंने अभी आपको पूछा था जो पहला या दूसरा क्वेश्चन आया था, तो चक्रपाणी सबको पता दोस्तों बहुव्रीहि समास है। ठीक है, फिर एक कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है? कवि में श्रेष्ठ तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधमरा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्या दोस्तों है? तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है अव्यय वैभव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर डी होगा कर्मधारय समास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कर्मधारय समास। फिर गगन चुंबी में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्यय वैभव समास। आंसर भी होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है, युद्ध भूमि कौन सा समास है? युद्ध भूमि में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्यय वैभव समास, कर्मधारय समास। तो आंसर ये होगा तत्पुरुष समास। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो आंसर यह होगा द्विगु, दोपहर, दोपहर। ठीक है, अगला है, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, अव्यय वैभव समास, कर्मधारय समास। तो मेरा आंसर यह होगा तत्पुरुष समास।
राजपुत्र में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है। तो आंसर इसका है तत्पुरुष समास। क्या दोस्तों है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास। अगला है भाव सागर में कौन सा समास है? आपके पास क्रम ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर होगा आंसर ये, ठीक है, कर्मधारय समास। तो ये हमारा पूर्व होता है इस सीरीज का महामैराथन क्लास का 50 क्वेश्चन, ये हमारा पहला वीडियो है, ठीक है। और इस महामैराथन क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।